साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, वहीं साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा को होने वाला है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भारत में क्या प्रभाव होने वाला है, इन दोनों ग्रहणों के समय लोगों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे इन दोनों ग्रहणों का सुफल व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त हो सके, साथ ही इन ग्रहणों की भारत में समय अवधि क्या होने वाली है, आइए जानते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर इंदौर के प्राचीनतम शनि मंदिर के मुख्य पुजारी और ज्योतिष मर्मज्ञ ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित नीलेश तिवारी से। कि 15 दिन के अंदर दो ग्रहण होने वाले हैं अपनी पृथ्वी की अपनी धरा के ऊपर। तो जैसा कि जो सूर्य ग्रहण है वो तो अपने भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, अदृश्य है, लेकिन उसका फिर भी कुछ प्रभाव, कुछ उसका संक्रमण आ सकता है। और उसके बाद में शरद पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण रहेगा वो पूर्ण रूप से भारत में दृश्य रहेगा, उसका प्रभाव भी रहेगा। और प्रभाव में ग्रहण के समय जो विकिरणें निकलती है, जो रेडिएशंस होता है ग्रहों में होता है, पृथ्वी में होता है, तो उससे इंसान के मन में, उसके शरीर में या उसके विचारों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव आता है, संक्रमण हो जाता है। जैसे ग्रहों में संक्रमण होता है वैसे की वैसे विचारों में भी हो जाता है, और वही विचार और वही संक्रमण अपने विचार के माध्यम से अपने शरीर में भी आ जाता है, तो शरीर शिथिल होने लग जाता है, शरीर में भारीपन आता है, सर में भारीपन होता है, भोजन नहीं भाना या भूख नहीं लगना, कमजोरी लगना, और शारीरिक कष्ट के अलावा मानसिक कष्ट, किसी विषय पर किसी लक्ष्य पे आप केंद्रित हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो इस समय के अंदर आपका ध्यान बार बार भटक सकता है या आपको सफलता में विलंब हो सकता है, अकारण ही आपको बार बार प्रयास करना पड़ सकता है, प्रयासों के बावजूद में सफलता मिलने में परेशानी आ सकती है। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं से ये जो प्राकृतिक घटना होती है ब्रह्मांड की, जो ये ब्रह्मांडीय घटना होती है, ये भी जिम्मेदार होती है। तो जो जानकार जो सिद्ध लोग होते हैं उनको तो पहले पता चल जाता है, तो उसके अनुकूल पहले से अपना व्यवहार और अपना आचरण पहले परिवर्तित कर लेते ताकि उनको कम से कम इस चीज का प्रभाव हो। और एक तो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए, गणपति की आराधना करना चाहिए, माँ काली का भी या माँ कात्यायनी की आराधना कर सकते हैं आप, उनके नाम के स्मरण करें स्नान करके और एक आसन लगा कर पूर्वाभिमुख होकर के और अपना आसन और दीपक लेकर के भगवान का ध्यान करें। अगर माला आपके पास में है तो माला लेके भगवान के नाम का उच्चारण करें, कोई मंत्र अपने किसी पाठ्यक्रम में से या किसी ग्रंथ में से निकालें, और अगर वो नहीं है तो किसी गुरु से संपर्क करें, आपके जो गुरु हो या गुरु नहीं है तो अपने आसपास किसी विशिष्ट व्यक्ति से संपर्क करें जो इनमें रुचि और इनमें जानकारी रखता है, कोई उपयुक्त मंत्र लेकर के सूर्य भगवान का या अपने इष्ट का अपने आराध्य का उसका जाप करें ग्रहण के समय, विशेष करके जाप करना और ग्रहण के पश्चात स्नान ध्यान करके यथाशक्ति जो आपसे बन सके वो सीधा में समझते हैं कि थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा मतलब कोई खाने की सामग्री जो एक व्यक्ति को भोजन प्राप्त करा सके उसे अपने भारतीय भाषा में या अपने इंदौरी भाषा में या मालवी भाषा में उसको सीधा निकालना कहते हैं। तो आप किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जाकर के सीधा दान कर सकते हैं, अपने उतरे हुए कपड़े दान कर सकते हैं ग्रहण के बाद में, और उसके बाद में अपने घर की शुद्धिकरण कर सकते हैं जिससे आपके मन, वचन और जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और मन की और शरीर की शांति प्राप्त होगी। चंद्र ग्रहण में भी यही होगा, शरद पूर्णिमा का दिन है, दिन भी बहुत बड़ा है, ग्रहण भी अच्छा है। चूंकि चंद्र को ग्रहण होगा तो चंद्रमा का ध्यान करेंगे, चंद्र देवता जो है मन के कारक हैं, सूर्य देवता आत्मा कारक है और चंद्र देवता मन के कारक है, तो जब उनको ग्रहण लगेगा तो जो विकिरण है उनकी चंद्रमा की जो अपने पृथ्वी पर पहुंचती है उस समय के लिए, कुछ देर के लिए वो पहुंच नहीं पाएगी, तो उस समय जो रिक्तता आएगी, जो खालीपन आएगा, तो उस समय उस देवता की तृप्ति के लिए उनका जाप करें, उनके मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट का, अपने गणपति जी का आराधना कर सकते हैं। एकमात्र उपाय ये है कि ग्रहण को सीधी अपनी आंखों से नहीं देखना है, किसी धार्मिक स्थान पे, किसी आध्यात्मिक स्थान पे करके केवल देवता स्मरण करना है, और हो सके तो उनका हवन कर सकते हैं अगर आपके पास किसी पंडित की, योग्य पंडित की व्यवस्था है, तो अगर किसी सार्वजनिक जगह पे किसी धार्मिक जगह पर ये अनुष्ठान चल रहे हैं तो आप वहां जाकर के उसमें भी आप सम्मिलित या शामिल हो सकते हैं। केवल देव आराधना और इष्ट आराधना यही आपको संकट से बाहर निकालेगी। ठीक है, एक बार सुन नाम बताइएगा। पंडित नीलेश तिवारी जी।